नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आप हमारे YouTube चैनल ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट पे हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिन विद्यार्थियों को बुक्स मिला है और जिन विद्यार्थियों को बुक्स नहीं मिला है, वह अपना प्रिपरेशन कैसे करें। तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि आपको बुक्स कहाँ से डाउनलोड करना है, बुक्स का चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए आपको NIOS के ऑफिशियल वेबसाइट nios.ac.in पे विजिट करना है। तो आप गूगल में आपको टाइप करना है www.nios.ac.in। आप टाइप करके इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग करके आएगा। आप पहले वाले को ही ओपन करना है। जैसे ही ओपन होगा तो होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे में कई सारे कैटेगरीज बने हुए हैं, जैसे कि एडमिशन का, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, कोर्स मटेरियल, एग्जामिनेशन और रिजल्ट का, वोकेशनल कोर्सेस, वीडियो गैलरी, फोटो गैलरी, ये सब का कैटेगरी बना हुआ है। आपको ऑनलाइन कोर्स मटेरियल पे क्लिक करना है। अब आपको यह देखना है कि मैं कौन से क्लासेस में हूँ, टेंथ में हूँ या ट्वेल्थ में हूँ। अगर आप टेंथ में हैं तो सेकेंडरी कोर्सेस पे क्लिक करना है। अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो आपको सीनियर सेकेंडरी कोर्सेस पे क्लिक करना है। तो चलिए, मैं टेंथ में हूँ इसलिए सेकेंडरी कोर्सेस में क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो टोटल 24 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से आपने 5, 6, 7 से ज़्यादा नहीं लिए होंगे। आपने अगर 5 सब्जेक्ट लिए हैं तो आप यहां से 5 सब्जेक्ट का PDF जो जो आपने लिए हैं एडमिशन करते समय, उन सब्जेक्ट का आप यहां पे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर 6 लिए हैं तो 6 सब्जेक्ट का लिए वीडियो डाउनलोड कीजिए, 7 लिए हैं 7 सब्जेक्ट के लिए वीडियो डाउनलोड कीजिए, सॉरी PDF डाउनलोड कीजिए। अब यहां पे आपको दिख रहा है ये छोटा सा आइकॉन जो कि वीडियो का आइकॉन है, यह वीडियो लिंक है। सपोज कीजिए कि आपने हिंदी सब्जेक्ट लिए हैं तो हिंदी सब्जेक्ट का वीडियो भी दिया गया है, इंग्लिश लिए हैं इंग्लिश का वीडियो भी दिया गया है, जिससे कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको हिंदी का वीडियो दिखाता हूँ। यह वीडियो NIOS के द्वारा पढ़ाई को आसान करने के लिए बनाया गया है। साथ ही विद्यार्थी अगर इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो उसको कोई भी कठिनाई नहीं होगा। चलिए मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो है, इसके चैप्टर आपने देखे होंगे। पहला चैप्टर जो है वो है बहादुर, हिंदी सब्जेक्ट में पहला चैप्टर बहादुर है। ये है डॉक्टर सत्यकाम प्रोफेसर, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मुक्त विद्यालय नई दिल्ली। यह इग्नू में प्रोफेसर रह चुके हैं हिंदी सब्जेक्ट के, और ये हिंदी बहुत ही अच्छा आपको बतलाएगा और ये आपको हिंदी पढ़ाने नहीं बल्कि आपको कहानी सुनाने आया है, जो कि पूरे लेसन का जो सार होता है उनको ये समझाएंगे, सुनाएंगे आपको कि इस लेसन में क्या क्या घटना हुआ,
क्या क्या इसमें मुख्य बातें हैं, किन पर जोर दिया गया है, ये सारे आपको इस वीडियो में आपको बतला दिया जाएगा। और इस प्रकार से बतला दिया जाएगा कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, एक या दो बार अगर आप देख लेते हैं, ध्यान से सुन लेते हैं, तो आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दो बार तीन बार अगर इसको पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में बहादुर चैप्टर का जो कहानी का सार है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और बहादुर चैप्टर से कोई भी अगर क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका उत्तर आप दे सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके हिंदी सब्जेक्ट में जितने भी लेसन्स हैं वो सारे लेसन्स की वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको अगर बुक्स नहीं मिला है तो आप यहाँ से ईजिली पढ़ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट के वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कुछ सब्जेक्ट के वीडियो अभी इन्होंने नहीं डाला है, ये टाइम लगेगा बट डाल देगा ताकि बच्चों को आसानी हो पढ़ने में। अगर आप 12th क्लास के हैं तो आपको यहाँ पे 12th पे क्लिक करना है, और 12th पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कई सारे सब्जेक्ट के वीडियो यहाँ पे डले हुए हैं। बाकी PDF यहाँ पे मिल जाएगा आपको, जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट यहाँ पे PDF मिल जाएंगे। आप यहाँ से आसानी से वीडियो देख सकते हैं और आसानी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों इस बार इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि 10th वाले में भी नीचे में फोर सेमेस्टर में नीचे में TMA का लिंक डाल दिया है और 12th वाले में भी लिंक डाल दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का क्वेश्चन चाहिए, या यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस एग्जामिनेशन, अगर पिछले कई 4-5 साल का अगर आपको क्वेश्चन चाहिए होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और दूसरा है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, जो कि आपको सबमिट करना अनिवार्य है क्योंकि इसके लिए आपको 20% ऑफ वेटेज मिलता है। तो ये आप ज़रूर एग्ज़ाम से पहले जो इसकी निर्धारित तिथि होती है उसमें आप ट्यूटर मार्क असाइनमेंट ज़रूर सबमिट करें, जिससे आपको ट्यूटर मार्क असाइनमेंट यानी TMA के नंबर मिल सके और आप पास होने के लिए आपको ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 2012 से ही क्वेश्चन दिया हुआ है और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए 18 अक्टूबर एग्ज़ाम के लिए है, सितंबर अक्टूबर, तो आप यहाँ से 10th क्लास 12th क्लास दोनों सब्जेक्ट दोनों क्लासेस के दिए हुए हैं। आप आराम से यहाँ पे क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए और उसमें ये देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, कितने 2 नंबर का है, कितने 3 नंबर का है, कितने 6 नंबर का है, कितने 8 नंबर के क्वेश्चंस हैं, कितने टाइम का है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्वेश्चंस में दिख जाएंगे। आप आराम से वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़िए, समझिए और उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का भी लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2020 और 21 के लिए भी ट्यूटर मार्क असाइनमेंट 10th और 12th दोनों क्लास के लिए भी आ चुका है। लेकिन विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, अगर आपका एग्ज़ाम अक्टूबर 2020 में है तो आपको 2019 और 20 का असाइनमेंट जमा करना है। अगर आपका एग्ज़ाम 2021